स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बहुत देर हो गई है, आइए सो जाइए। चलिए चला। मुझे अभी याद आया, शायद मेरी गाड़ी खुली रह गई है, मैं अभी आऊंगा। आपको तो ठीक से बहाना बनाना भी नहीं आता। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अक्षरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच वर्षा। कोई मुझे विश करे ना करे, तू मुझे हमेशा विश करती है। भाई मेरा तो हक बनता है, वो भी दो तरीके से, पहला फ्रेंड के नाते, दूसरा भाभी। ले अपने दादा से बात कर। हैप्पी बर्थडे मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, कैसी है तू? थैंक यू दादू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। और घर सेट हो गया ना? हाँ, तुम्हारी सहेली ने सब कर लिया है। अच्छा तुम इससे बात करो, एंड हाँ वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, खूब एंजॉय करना। ये लो। गायत्री आंटी जी का फोन आया था, उन्होंने कल हमें हवन पे बुलाया है। तो तुम लोग आ रहे हो ना? शायद। अच्छा तो मुझे ये बता कि नैतिक जी ने तुझे क्या बर्थडे गिफ्ट दिया? शादी के बाद तेरा ही उनके साथ पहला जन्मदिन है ना? उन्होंने तो मुझे अभी तक विश भी नहीं किया। वो कमरे में नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। मुझे पता है वो मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हाँ रोमांटिक। अच्छा सुन वर्षा, मुझे लगता है वो आ रहे हैं। हाँ मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बाय।
अब और कितना इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगा मुझे पता ही नहीं चला कि आपने क्या प्लान किया है। अब विश कर भी दीजिए, 12 बज चुके हैं। हैप्पी बर्थडे भाभी। हैप्पी बर्थडे अक्षरा। जन्मदिन मुबारक हो बहू। अरे नहीं, सदा सुहागन रहो। ये ले, तुम्हें कैसी लगेगी पता नहीं। ये क्या भाभी माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। हाँ? खुश रहो बेटा, हमारी बहू को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू माँ। कितने शुभ कदम है हमारी बहू के। एक साल नहीं हुआ इसे अभी इस घर में आए, और देखिए नंदिनी का ब्याह भी तय हो गया। हमारे घर माँ थारा पहला जन्मदिन है बहू, भगवान थारी हर इच्छा पूरी करे। सुखी रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। आइए दादाजी, हवन की तैयारी देख लेते हैं। हाँ। छोटी दुल्हन, तुम महाराज जी से मिलकर हवन की सारी सामग्री मंगवा ले। जी आइए। भाभी ये बताइए दादा ने गिफ्ट दिया कि नहीं। अरे रात में दे दिया होगा। सच बताइए ना क्या दिया। वो बाद में दिखाऊंगी। लगता है कुछ स्पेशल दिया है। ठीक है, हम भी नहीं बताएंगे हमारा क्या सरप्राइज है। अच्छा मुन्ना पता नहीं कहाँ रह गया, आज तो पूजा में भी नहीं आया। आ जाएगा छोटी दुल्हन, आज छुट्टी तो आराम से उठा होगा। वैसे मुन्ना ने बहू को अपना तोहफा दे ही दिया, मुझे तो डर था कि कहीं तेरा जन्मदिन भूल ना जाए। ना ना भाभी माँ, मुन्ना जन्मदिन वगैरह कभी भूलता ही नहीं है। हाँ। शौर्य उठे ना, जल्दी उठिए, पूजा का समय हो रहा है। मेरी तो आप सुनते ही नहीं है। वैसा कोने दो ना, कल बहुत थक गया था मैं। शौर्य लेकिन पूजा तो करनी है ना। कोने दो वैसे। छोटी बहू याद है ना, आज हमारी अक्षरा का जन्मदिन है। जी माँ। तो हम सब मिलकर अक्षरा के सुख और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज पहली बार शौर्य के बिना पूजा की है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसे प्रसाद ना दिया हो। और फिर ये तो उसकी लाडली बहन के जन्मदिन का प्रसाद है।
क्यों अकेले अकेले पूजा भी? पूजा नहीं लगती, वहां तो रोज सुबह बड़ों का आशीर्वाद मिलता था, लेकिन यहां कोई भी नहीं। हम देते हैं ना आपको आशीर्वाद बालिके के, खुश रहो। और वैसे भी आज तो आप बहुत खुश होंगी, क्योंकि हम आपको आपकी प्यारी सी सखी के बर्थडे पे उससे मिलने चले जा रहे हैं। देखा, खुश हो गई ना? आज तो उसके ससुराल में उसका जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएंगे ना। भाभी माँ, हलवा बनाओ साथ में। हाँ हाँ बनाओ, पर बहू को तो गुलाब जामुन पसंद है ना। हाँ, अक्षरा को गुलाब जामुन पसंद है तो वो तो आज रख कर। माँ, अक्षरा कहाँ है? तेरी दीदी के साथ। तू कहाँ जा रहा है? माँ, मैंने आपसे कहा था ना मैं मैच खेलने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, पर बेटा जल्दी। हाँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। छोटी दुल्हन, रसोई का काम देख लेते हैं। जल्दी से आ। कहाँ थे? क्या दादा, आज के दिन तो भाभी को अपनी नजरों से दूर रखें, चैन नहीं आपको? तुझे क्या प्रॉब्लम है अगर मैं अपनी बीवी को बुला रहा हूँ? कान छोड़ी ना दादा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी प्यारी सी बीवी से बात कीजिए, मैं तो चली। आपने मुझे क्यों बुलाया था? वो मैं मैच खेलने के लिए जा रहा हूँ। अब वैसे लेट हो गया हूँ। ओके बाय। सुनिए तो, वो आप क्या हुआ? कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं क्या? मोबाइल है, चाबी भी है। अब आप कुछ कह रही थी? आपको याद था? आपने मुझे जानबूझ के विश नहीं किया ना, क्योंकि आप मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। मेरे हस्बैंड का पहला बर्थडे गिफ्ट, देखो तो क्या गिफ्ट दिया है। सरप्राइज। कैसे लगा हमारा गिफ्ट? आपका मतलब? ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। हमने गुलाबों से कहा कि जब इस कमरे में कोई ना हो तब ये गिफ्ट यहाँ रख दे। पहले खोल के तो देखो। हाँ, दीदी की चॉइस है,
देखिए ना कैसे लगा आपको। अक्षरा देखो बेटा कौन आया है। माँ जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। बाल गोपाल अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे तुझ पे और ससुराल में सबका ढेर सारा प्यार मिले। ये बेटा तेरे लिए। ये क्या है माँ? पहले तो प्रसाद ले। लो बेटा। माँ आपने बहुत अच्छा किया आप यहाँ आई। मैं सुबह से आप सबको याद कर रही थी। हमें आना ही था तो सोचा कि चलो हम ही प्रसाद ले जाते हैं। भोला को मैंने शौर्य और वर्षा के पास भेजा है। बेटा ये तुझे तोहफा भी तो देना था। वैसे तो सुबह से बहुत अच्छे अच्छे तोहफे मिल चुके होंगे अपनी माँ से जमाई सा से। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।